आप किसी भी चीज को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़ उस काम पर पूरा फोकस लगा दीजिए जिसे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। अगर यह सब करते हुए आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाता है तो भी आपको बिना रुके अपनी मंजिल तय करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा या अच्छा होता है यह सब कुछ पहले से तय होता है। इसलिए इस बारे में चिंता करके आप अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। भलाई हमारी इसी में है कि हमें बिना परेशान हुए अपने बहुमूल्य काम को तय सीमा पर पूरा कर लेना चाहिए। भगवान हमारे बारे में सब कुछ पहले से तय करके रखे हैं, बस हमें चिंता छोड़कर लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। अंत में हमें जो मिलना है वह मिल जाएगा। इस कहानी के माध्यम से आप ऊपर वाले की मर्जी को समझें। दो लड़के एक आश्रम में काम करते थे। वे दोनों अपने गुरु की दिन रात सेवा करते थे। उन दोनों लड़कों में से एक लड़के की बहन की शादी तय हो गई थी। वह अपने बहन की शादी की तैयारी बहुत ही धूमधाम से करना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उनकी स्थिति उनके गुरु बहुत अच्छे से जानते थे, पर वो भी उनकी मदद नहीं किए। सिवाय जब दोनों लड़के गांव जाने के लिए तैयार हुए तो गुरु ने उस लड़के को 5 अनार दिए जिसकी बहन की शादी थी। गांव जाते समय 5 अनार पाकर लड़का बहुत दुखी था। उसे तो पैसे की जरूरत थी, वह अनार क्या करेगा। उसे अपने गुरु पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब दोनों लड़के गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में राजा के सैनिक इस बात की घोषणा कर रहे थे कि क्या किसी के पास अनार है। राजा को इसकी बहुत जरूरत है। हमने बहुत प्रयास किया पर हमें इस क्षेत्र में कहीं भी अनार नहीं मिला। राजा की बेटी बहुत बीमार है, उसे दवा के लिए अनार की जरूरत है। दोनों लड़कों ने सोचा, हमें अनार की कोई जरूरत नहीं है, ये अनार हम राजा को दे देंगे और उनकी बेटी का अच्छा इलाज हो जाएगा। दोनों लड़कों ने अनार होने की बात सैनिक को बताई। सैनिक उन दोनों लड़कों को लेकर राजमहल पहुंचे और लड़कों ने अनार राजा को सौंप दिया। राजा ने उन्हें इसके लिए बहुत सारा इनाम दिया, पैसा, जेवरात और भी बहुत कुछ। उस लड़के की बहन की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। अब उस लड़के को इस बात पर बहुत अफसोस हो रहा था कि वह बिना सोचे समझे अपने गुरु को कोस रहा था और उन्हें भला बुरा कह रहा था। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमें कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमारी चिंता कोई और कर।